चलो बोलो, पहले तो किसी को कोई भी डाउट है? लास्ट क्लास हम लोग जो जो किए थे। ठीक है, सब असाइनमेंट ट्राई किए वो टॉपिक का? कोई भी ट्राई किया? क्लॉक, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, भूमिका, कोई भी डाउट्स आया असाइनमेंट में कि सब हो गया? हाँ मैम, क्लॉक का लास्ट सेकंड क्वेश्चन में मतलब वो नहीं हुआ मेरे से। नहीं नहीं हुआ, मतलब सोल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, हम लोग नवंबर में डाउट क्लासेस में लेंगे, उसको मार्क करके रखना। ठीक है ठीक है मैम। चलो, आज हम लोग शिफ्ट करेंगे वापस मैथ्स पे, एंड वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। पहले तो मेरे को ये बताओ, कोई चीज को इंटीग्रेट करना क्या होता है नॉर्मल इंग्लिश में? व्हाट डज इंटीग्रेट मीन? एनीवन? इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, साथ में जोड़ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेट। हाँ तो इंटीग्रेशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन इज, अगर कोई एक ग्राफ है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये एफ एक्स का ग्राफ है और यहाँ पे एक्स हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, छोटा 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 हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं, विच वी रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल, तो हम लोग ये एरिया निकाल रहे हैं। क्या है ये? दिस इज एफ एक्स जो है वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? एक होगा, एक इतना सा होगा, फिर एक इतना सा होगा, हर स्मॉल पॉइंट पे एरिया चेंज हो रहे हैं, तो हर स्मॉल पॉइंट का एरिया को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे करके इफ वी एड अप ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स देन वी विल गेट द एरिया ऑफ द इंटायर पोर्शन। सो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू बी, याद रखना हमेशा लोअर लिमिट नीचे आएगा। फ्रॉम ए टू बी हम लोग क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं या क्या चीज को जोड़ रहे हैं? एफ एक्स को जोड़ रहे हैं। और चेंज क्या है, कितना का चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है वाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और हम लोग ये किए थे डिफ्रेंसिएशन में दैट डी एक्स इज चेंज इन एक्स बाय अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हर स्मॉल चेंज इन एक्स के साथ हम लोग का एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहे हैं उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर? तो अब जैसे बाद में हम लोग करेंगे ट्रेपीजॉइड रूल, बट अच्छा ठीक है, बाद में एक बार में हम लोग ट्रेपीजॉइड रूल करेंगे, लेकिन क्या ये क्लियर है कि इंटीग्रेशन होता क्या है? व्हाई इज इट कॉल्ड इंटीग्रेशन? क्योंकि हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स पे एरियाज को जोड़ रहे हैं। ये देखो, ये जो ग्राफ था उसमें अगर इतना सा पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इफ देयर वाज अ चेंज इन वैल्यू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लो इतना सा चेंज था, तो कैन वी इमेजिन दिस एज अ रेक्टेंगल? क्योंकि जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा तो एक स्ट्रेट लाइन जैसे ही बनेगा, तो ये एक रेक्टेंगल की तरह होगा। हाँ तो इस एरिया ऐसे एक और रेक्टेंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक में, ऐसे कर करके वी कैन कवर द इंटायर पोर्शन विथ स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L into V। यहाँ पे एल क्या है? एल इज एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है और बी क्या है? डी एक्स, क्योंकि एक्स कितना से चेंज हो रहा है। हाँ तो एरिया क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स
दिस विल बी आर एरिया, और हम लोग क्या करें, ए से लेके बी तक जितना भी ऐसा छोटा छोटा एरियाज है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं. क्लियर? अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में इज द ऑपोजिट ऑफ डिफ्रेंसिएशन. तो मतलब क्या, अगर एफ एक्स है कोई और उसका डिफरेंशियल जो मतलब उसका डेरिवेटिव है दैट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज व्हाट. डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं. तो जब टूटा हुआ पार्ट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, fx में, वापस एफ एक्स में. तो ये क्लियर है? तो ऐसे ही इफ आई आस्क यू फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स ये कितना होना चाहिए, क्या लगता है? लॉग एक्स. लॉग एक्स ln x. हाँ वो e बेस है उसका लॉग x. हाँ तो इसलिए क्या बोला था, हमेशा ln ही बोलना, क्योंकि अगर बाय चांस एग्जाम में हड़बड़ी में भी मुंह से लॉग निकला और कैलकुलेटर में लॉग दब गया तब सब खत्म है वहां पे. ठीक है, तो ये ln x होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि 1 बाय एक्स इज नथिंग बट ln x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव. बट अगर सपोज ln x प्लस 3 होता तो हम लोग का डिफरेंशिएशन कितना आता, डेरिवेटिव कितना आता, तब भी 1 बाय x आता. तो मतलब कि ये जो बाद में कोई कांस्टेंट अगर है हम लोग के ओरिजिनल फंक्शन में तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन करते टाइम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सारा कॉन्स्टेंट हट जाएगा. तो इसके लिए हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन में वी ऑलवेज एड अ सी और अ के विच डिनोट्स द कॉन्स्टेंट. अब वो सी और के कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसका हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हो सकता है जीरो भी हो ही सकता है कि जीरो भी हो, लेकिन सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अपार्ट फ्रॉम द एल एन एक्स देयर वॉज समथिंग एल्स, तो उसके लिए हम लोग ये सी और के विच इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग ये रखते हैं. ओके तो ये हुआ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट. अब पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉपी डाउन दिस एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी कि इसका क्या होगा. देख रहे हो सब में सी है, बताना है क्या मैम इन दोनों का? हाँ बताओ. साइन एक्स एंड माइनस कोस, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी. एक ही सिर्फ इसी का बोल रहा हूँ? हाँ मैम इसी का ही. अच्छा और किसी को क्या लगता है? मैम साइन इनवर्स एक्स पहले वाले का. हाँ फिर साइन इनवर्स एक्स. सब अग्री करते हैं साइन इनवर्स एक्स. दूसरे वाले का टेन इनवर्स एक्स. जल्दी से कॉपी करो.
सबका डन? अब देखो, मेन इंटीग्रेशन जो है, जो एकदम बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन है, वो आता है इस स्टैंडर्ड से. तो ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इफ सपोज आई से x टू द पावर 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पावर में है उसको नीचे लाते हैं, जो भी पावर में उसको नीचे लाते हैं और एक पावर डिक्रीज कर देते हैं. इंटीग्रेशन में क्या होता है, सब कुछ उल्टा होता है. अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बोल सकता है? पावर को डिवाइड में लाएंगे और उसमें ऐड वन कर देंगे. एक्स और फाइव बाय फाइव. हम लोग पावर को डिवाइड में नहीं लाएंगे, हम लोग पहले ऐड कर देंगे पावर, और जो रिजल्टिंग पावर है उसको ही डिनोमिनेटर में लाएंगे. क्लियर है? कभी भी ये गलती मत करना, हमेशा जो रिजल्टिंग पावर आएगा उसी को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे. ठीक है, अब एक और चीज, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं टू फंक्शंस के एडिशन को, तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स. ठीक है, ये चीज अलाउड है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में, डिविजन में इट इज नॉट अलाउड. ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इट इज अलाउड, मल्टीप्लीकेशन डिविजन में नॉट अलाउड. क्लियर है? अब एक छोटा सा सम करो. ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. कितना आ रहा है माइनस टू बाई एक्स प्लस 12 अपॉन 5 एक्स टू द पावर 5 बाई 3. और प्लस सी यही आ रहा है? हाँ यही है सबका, यही है. हाँ. एक बार बस मेरे को बताओ, इसके बाद क्या करते हैं? एक्स के पावर में प्लस वन करेंगे. प्लीज माइनस थ्री मत लिख के आना कोई. माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन. ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये सेम चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल. क्यों? क्योंकि जब मैं समझा रही थी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, आई हैड यूज्ड ए टू बी,
तब हम लोग क्या करते, वी वर स्पेसिफाइंग कि हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का ही एरिया ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अभी हम लोग किए, जितना भी जगह प्लस सी हम लोग लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन हो रहा है अभी। तो अभी हम लोग को, अगर सपोज इसी में इफ आई टेल यू कि आई वॉन्ट द एरिया जहाँ एक्स विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 5 to let's say 7 हाइपोथेटिकली, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 to 7, हाँ एक की जगह 5 लिखते हैं क्योंकि वो लोअर लिमिट है, और फिर 7 लिखते ऊपर में। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम लोग इसी स्टेप के अंदर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन तो हम लोग को करना ही होगा। क्या होता है, जैसे लिमिट्स आ जाते हैं, जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाते हैं, सबसे पहले तो ये कॉन्स्टेंट हट जाते हैं जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि अब हम लोग एक डेफिनेट एरिया को ले रहे हैं। तो वो जो कॉन्स्टेंट था वो क्या दिखाते हैं, दैट शो सम थिंग विच इज नॉट डेफिनेट टिल नाउ, तो इसलिए वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाते हैं, बिकॉज दैट विल बी इनकॉर्पोरेटेड जब हम लोग अपना 7 और 5 का वैल्यूज यूज करेंगे। अब हम लोग 7 और 5 का वैल्यूज कैसे यूज करेंगे, ये क्या है, दिस इज कि कोई भी पॉइंट एक्स का, मतलब एट एनी पॉइंट एक्स हम लोग का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल क्या आ रहा है, दिस इज द इंटीग्रल एट एनी पॉइंट एक्स। और जब हम लोग कोई चीज का एरिया निकालेंगे, अगर ये 5 है और ये 7 है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है इंटीग्रल का एंड यहाँ पे जो वैल्यू है इंटीग्रल का, इन दोनों का डिफरेंस विल एक्चुअली बी द एरिया बिटवीन बोथ द पॉइंट्स। ओके, तो इसीलिए व्हाट वी विल डू इज, हम लोग पहले ऑब्वियसली, अब 7 इज बिगर तो आइडियली एफ एक्स का वैल्यू 7 पे ज्यादा होना चाहिए। हम लोग हमेशा नेक्स्ट पॉइंट जो है उससे प्रीवियस पॉइंट को माइनस करते हैं। यू कैन नॉट डू दिस माइनस दिस, दैट इज रॉन्ग। आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक माइनस यहाँ तक, तब जाके आपको रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले यू विल फाइंड आउट दिस एट पॉइंट 7 या फिर एट पॉइंट बी। तो वो कैसे निकालोगे, सिंपली एक्स की जगह 7 सब्स्टिट्यूट करके, एंड देन यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस सेम वैल्यू बट विथ एक्स इक्वल टू 5। हाँ, तो कितना होगा, अगर सपोज 7 और 5 है हम लोग का लिमिट्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/7 और ये हो जाएगा 12/5 इंटू 7 to the power 5/3 माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके वी विल गेट अ कॉन्स्टेंट आंसर, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? एक सम करो इस पे। बहुत सिंपल सा सम है। एट बाकी लोग का कितना आ रहा है? बहुत सारा सेम मैम। एट आ रहा है मेरा, तो 26 आया।
किसका किसका 8 आया, किसका किसका 26 आया? सॉरी मैम, मेरा 26 है। 3 पावर 3 9 कर दो। जब हम लोग एक्स पे 3 और 1 का, आई नो सब लोग का स्कूल में किया हुआ ये चीज, बट एक बार बस एक रिवीजन के लिए मैं वापस से समझा रही हूँ। जब हम लोग 3 और 1 का वैल्यूज डालना चाहते हैं तो हम लोग बॉक्स ब्रैकेट डाल के अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, और फिर एक्स की जगह पहले 3 डालेंगे तो वी विल गेट 3 to the power 3 27, एंड फिर एक्स की जगह 1 डालेंगे। नेक्स्ट वाला करो। मैम 59/5 कितना? 12.4 मेरे को फ्रैक्शंस में बोलो आंसर। 64/5 आएगा। e to the power 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा? e to the power 5x by 5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक आंसर करेगा क्योंकि he is the only one जिसने अभी तक मेरे को एक फाइनल आंसर नहीं बोला। ब्रैकेट के अंदर मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल कितना आ रहा है? मैम वो 2 भी तो है। हां तो बताओ ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना होगा मेरे को? 2 e to the power 5x by 5 अब इसमें अगर हम लोग सबसे पहले ln 2 लगाएं, ln 2 लगाएंगे सबसे पहले? हाँ। कैसे होगा? 5 ln 2 का वैल्यू क्या होता है? मैंने सीधा कैलकुलेट किया है वो पूरा। यस मैम, मैंने भी सीखा कि मैम ये 2 की 5 में चला जाएगा। दिस टू पावर 5 32। तो दिस इज एक्चुअली e टू द पावर ln 32 एंड हम लोग क्या किए थे e टू द पावर ln, ये पूरे e टू द पावर ln 2 जो लिखा है ना 5 ln 2, इस पूरे की वैल्यू 32 है। ओ हां वही तो, ये e टू द पावर ln क्या होता है? हम लोग किए थे लॉग्स जिस दिन हम लोग क्लास में किए थे, वी डिड कि e to the power ln is actually 1, मतलब वो सब हट के become nothing, तो e to the power ln of something is actually this, तो ये जो पूरा चीज है this will become 32। कौन मेरे को लॉजिक समझाएगा इसका? कोई भी लॉजिक बोल सकते हैं इसका? 2 to the power 5 तो वो तो 32 का लॉजिक है वो तो, लेकिन e to the power ln of something, जो e और ln है वो उसका इफेक्ट नलिफाई क्यों होता है? ओके ln में शायद बेस e ही रहता है। ln में ln इज एक्चुअली log बेस e, तो इसीलिए
ई और एल एन का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 32 होगा। हाँ बोलो मैम, ई टू द पावर 5 एल एन 2 आया है ना, फिर उसको ई टू द पावर एल एन 32 लिखेंगे, क्योंकि 5 एल एन 2 क्या होगा, कभी भी अगर लॉग के पहले में कुछ होता है तो वो पावर में चला जाता है। एल एन ऑफ 4 क्यूब इज 3 एल एन 4, यू अग्री? यस मैम। तो सिमिलरली इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो कभी भी अगर लॉग के पहले कुछ है तो उसको पावर में ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया 2/5 इंटू 32 माइनस ये ई टू द पावर 0 हो जाएगा। ई टू द पावर 0 कितना होता है? 1 1। तो आंसर कितना आना चाहिए? और एल एन का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि एल एन में क्या होता है, लॉग बेस ई होते हैं, और लॉग क्या बोलते हैं, अगर लॉग बेस 10 100, इसका वैल्यू क्या होता है, लॉग बेस 10 100 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। कैलकुलेटर में करो, टू होते हैं। ये क्यों होते हैं? लॉग्स का क्लास है, सब जाके वापस से एक बार वो उतना खाली 20 मिनट्स का पोर्शन रिवाइज करेंगे। क्यों होते हैं लॉग बेस 10 of 100 का वैल्यू 2? क्योंकि 10² = 100। तो जब 10² = 100 है तो हम लोग इस 2 को RHS या LHS बनाना चाहते हैं, ओनली द 2। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों साइड में लॉग बेस 10 ले लेंगे। लॉग बेस ये 2 यहाँ आ जाएगा क्योंकि पावर में, और लॉग बेस 10 10 कितना होता है? 1। इसीलिए ये आते हैं। और इसका दूसरा लॉजिक है, लॉगरिदम फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, जैसे बॉक्स फंक्शन क्या करते हैं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के देते हैं हम लोग को, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करते हैं, इट सिंपली मीन्स कि जो भी बेस में है उसको हम लोग उसके पावर में वी विल पुट द सॉल्यूशन ऑफ द लॉग। तो सॉल्यूशन ऑफ लॉग क्या है यहाँ पे? 2। एंड द आंसर शुड कम एज हम लोग किसका लॉग ले रहे हैं, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। तो अब जब हम लोग के बेस में ई है, ln 32 यही है, हाँ, तो ln 32 एक्चुअल में क्या है, ln 32 का जो भी वैल्यू होगा, लेट्स से एक्स होगा, ठीक है, एक्स है, तो इसका मतलब क्या होएगा, इसको इस फॉर्म में लिख के बताओ मेरे को। ये आएगा e टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 32। ये क्या हो जाएगा, एल एन 32 इज एक्चुअली, रुको, ln 32 इज इक्वल टू एक्स ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसकी जगह x लिख देंगे, हाँ, ln 32 इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन गया, ये वाला जो चीज है, दिस बिकम्स e टू द पावर x,
और ई टू द पावर एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 32. तो इसीलिए ये जो पूरा डेरिवेशन है, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि ये लॉजिक होता है अगर हम लोग ln 32 का वैल्यू x मान लेते हैं, और तो ये बन जाएगा e टू द पावर x, और इससे फिर हम लोग e टू द पावर x का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज 32 ओनली. तो इससे एक थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि कभी भी e टू द पावर ln ऑफ समथिंग होते हैं तो वो दोनों का इफेक्ट नलिफाई होके बस जिस चीज का लॉग ले रहे हैं वो नीचे आ जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए e to the power ln 32 is actually just 32. क्लियर है? ये चीज मत भूलना क्योंकि ये बहुत 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 काम आएगा. बहुत बार e to the power ln of कुछ भी 100 या 10x square कुछ भी रह सकता है, तो वो इफेक्ट नलिफाई होके ये आ जाएगा फ्लैट. क्लियर? लास्ट वाला करो. मैम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन प्लस सी एलएन. सीधा खाली ये वाला फॉर्मूला डाला है. क्लियर है ये सब सबको? ये वाला कैसे होगा? किसी को भी कुछ आ रहा है? वो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला लग गया याद में. मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है मैम. ये मैम 1/12 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स रेस टू पावर सिक्स प्लस सी. कैसे किया भी बोलो पहले. मैम उसको टी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स को टी मान लिया. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ सॉल्विंग इंटीग्रेशन. इस पर हम लोग क्या करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट कुछ भी चीज़ को, कोई भी चीज़ से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा, बट वी हैव टू सी कि कैसे. इट इज़ नॉट नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन कि इफ एक्स स्क्वायर इज प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई तो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सिक्स का रूट. नो, दिस इज नॉट हाउ यू विल सब्स्टिट्यूट. इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स की जगह सीधा रूट ओवर वाई माइनस सिक्स लिख दो. नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग का ये जो डी एक्स है ये तो एक्स के ऊपर ही चेंजेस को देख रहे हैं. डी एक्स इज ओनली चेंज इन एक्स. तो जब आप एक्स के सारे टर्म्स को हटाओगे तो यू के नॉट वर्क विद डी एक्स, यू के नॉट कंटिन्यू टू वर्क विद डी एक्स. यू विल हैव टू चेंज दिस टू डी वाई. अब ये डी एक्स से डी वाई कैसे आएंगे? हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को करेंगे या फिर ऐसे करते हैं अगर डिफ्रेंशिएशन वाले इसने, और फिर ये dx को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? या फिर ऐसे करो,
कि dx का वैल्यू कितना आ रहा है, ये आएगा dx का वैल्यू। हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं जो हम लोग बहुत जगह में यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक एडिशनल चीज हम लोग को करना है कि क्योंकि हम लोग अपना वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, हम लोग को अपना डी वाला टर्म को भी चेंज करना आएगा। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपली बाय डिफरेंशिएटिंग वंस, सबको करके डिफरेंशिएट करके डीएक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी हम लोग का बचेगा, तो अब डीएक्स की जगह वी हैव टू राइट dy बाय इतना ना 2x, dy बाय 2x। x स्क्वायर प्लस 6 तो y है, तो ये हो गया y टू द पावर 5। यहाँ पे हम लोग का एक x है जिसको या तो हम लोग रूट ओवर y माइनस 6 लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग नोटिस करेंगे कि dx को सब्सटीट्यूट करते टाइम ये आ रहा है, तो क्या हो रहा है, x और x कट जाएगा ये वाला। तो हमेशा व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग ऑलवेज मेक श्योर कि दो टर्म्स हैं, कोई एक टर्म को सब्सटीट्यूट करो एंड उसको ऐसा सब्सटीट्यूशन होना चाहिए जिससे दूसरा वाला जो टर्म है वो समवट कैंसिल आउट हो जाए। कैसे कैंसिल आउट होएगा, हम लोग का डीएक्स का सब्सटीट्यूशन से। ठीक है, दिस इज द ट्रिक। यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है इतना तो हम लोग मेंटली कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फॉरगेट अबाउट एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑल्सो, अगर आप एक्स स्क्वायर को भी खाली अगर वाई लो या टी ले लेते हैं, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को ही खाली टी ले तो क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। और dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ वाई टू द पावर 5 वी विल हैव टी प्लस 6 टू द पावर 5 डी टी। इसको भी हम लोग सेम वे से सॉल्व करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे कि वाई टू द पावर 5 और टी प्लस 6 टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन तो डिफरेंट होगा, करेक्ट, डिफरेंट आएगा इंटीग्रेशन। पहले तुम्हें को ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू द पावर 5 कितना आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस 6 टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होगा। बाई सिक्स होगा, ठीक है, टी प्लस सिक्स बाई टी प्लस सिक्स होल पावर 6 बाई ये होगा। अब हम लोग का क्या करना होता है, हम लोग को क्वेश्चन एक्स में पूछा गया था तो हम लोग वाई या टी में आंसर नहीं छोड़ सकते, राइट। तो अब हम लोग वाई को किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, वाई वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो ये आएगा आंसर। टी को किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स होल पावर 6 नहीं। तो घूम के सेम हो गया, नो मैटर वॉट यू सब्सटीट्यूटेड दोनों वे से आंसर लास्ट में सेम ही आएगा, बट यू हैव टू बी श्योर कि आप जो सब्सटीट्यूट कर रहे हो इट हेल्प्स यू। अगर आप सपोज एक्स क्यूब इक्वल टू टी ले लेते इट वुडेंट मेक सेंस, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएट करने से क्या आता, ये आता। लेकिन एक्स स्क्वायर का करना क्या है, अगर एक्स स्क्वायर को आप डालोगे भी तो आपका फिर भी एक एक्स बच जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ तो इसीलिए यू हैव टू सी कि व्हाट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सूट्स। अब ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस के साथ होगा।
मम्मी थर्ड क्वेश्चन में एक्स की पावर में क्या है, थ्री है एक्स? थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थ्री कहाँ से दिख रहा है? मुझे दिख ही नहीं रहा ये ढंग से। ये एक्स है इनटू, नहीं मैम वो उसके पावर में ई की पावर टू एक्स के बाद क्या है, थ्री है, स्क्वायर है। ओके मैम, मैं फर्स्ट का आंसर माइनस वन अपॉन टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर होल टू द पावर फोर प्लस। मैम फर्स्ट वाले का आंसर टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर प्लस सी। हाँ मेरा भी यही है, एल एन एक्स। वापस से बोलो मैम, लॉग मतलब बेस ई के साथ है वो। रुक जाओ, टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर प्लस सी प्लस थ्री और अच्छा प्लस सी सी। ठीक है, और बोलो बाकी लोग। अच्छा पहले तो मेरे को ये बोलो कि सब्स्टिट्यूट क्या चीज से किया। डिनोमिनेटर को टी मान लिया। एक सेकंड, हाँ क्या क्या किया? एक सेकंड मैं वापस बता रहा हूँ आपको। ओ सॉरी मैम, वो फाइव देखा ही नहीं मैम। जिन लोग का हो गया उन लोग सेकंड वाला करो। मेरा आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा। क्या किया अभी तक ये बोलो। y is equals to x square plus 3x plus 4 किया। ठीक है, then dy by dx is equals to 3x plus 2x plus 3 आया। फिर हाँ इतना तक हम किया यहाँ तक। अब सब्स्टिट्यूट करो, 4x plus 6 को ऐसे ही रहने देंगे अगर। हाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में y to the power 5 dx की जगह, dx की जगह dy by 2x plus 3। कुछ कटते हुए दिख रहे हैं? हाँ ऊपर में 2 बचेगा, 2 को बाहर निकाल लो। ये आ रहा है? हाँ। क्या होएगा? dy by y to the power 5 का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा क्या? नहीं। होता है 1 by y to the power 5 क्या होता है? Then y to the power, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर y to the power minus 4 by 4। 4 क्यों? minus 4 ही तो होगा ना। हाँ by minus 4 sorry। और बाहर में ऑलरेडी एक 2 है, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल होगा, तो minus y to the power minus 4 by 2। तो y to the power minus 4 मतलब y denominator में to the power 4 और एक टू इस स्टेप में जाके अटके ना। यस मैम। ठीक है नेक्स्ट करो। मैम सेकंड का 7/6, 7/6। अच्छा आगे बोल रही हो क्या? एक सेकंड। 7/6
ई टू दी पावर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी। और किसी का क्या आ रहा है? यही आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज किया? मैम 3x स्क्वायर माइनस 4 को t मान लिया। देखो सबका ये होगा। थर्ड का 1/2 रूट ई टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस सी। एक बात बोलो हम थर्ड वाले का 1/4 e raise to power x square plus c आ रहा है क्या? हम x square 2x square ये yes ma'am ये चेक करो 2 होना चाहिए। अदिति आपका आंसर करेक्ट है एकदम, बट अगर सिंपलीफाई करने बोला जाए तो क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो? ये क्या है, जब रूट होते हैं तो पावर में इनटू हाफ, पावर में हाफ आ जाते हैं, तो इज इन दिस 2x स्क्वायर इनटू हाफ, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज हाफ ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस सी। सबका जब हो जाए तीनों सम हमें वो 1/2 आएगा। हो गया सबका तीनों सम्स, आंसर मैच किया? हाँ। कोई भी दिक्कत नहीं? नहीं। अभिषेक आपका हुआ कि अभी कर रहे? थर्ड वाला कर रहे थे। करो कैसे होगा, क्या लगता है सब्स्टिट्यूशन क्या चीज के लिए करना चाहिए? आई थिंक वो 2x स्क्वायर के लिए करना चाहिए, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लेके। वापस से मैं सम क्या था, यार हाँ
अब यहाँ क्या लिखना है? रूट अंडर ई टू द पावर टी इनटू डीटी बाय फोर एक्स फिर ई टू द पावर फिर एक्स को कैंसिल आउट करेंगे, 1/4 को बाहर निकालेंगे, ई टू द पावर माइनस टू माइनस टू क्यों रूट है ये डिफरेंस समझो ई टू द पावर हाफ प्लीज ये चीज में कभी भी कंफ्यूज मत होना ठीक है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर हाफ टी है ना पार्शियल फ्रैक्शंस एक मेथड हम लोग किए नॉर्मल इंटीग्रेशन हाफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी हम लोग किए नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा के फिर हम लोग किए सब्स्टिट्यूशन हाँ अब एक और मेथड है पार्शियल फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या होता है सबसे पहले उसका समझना कैसे कि इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा उसमें इट विल बी इन प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म मतलब क्या मान लो 3x+1 और x+2 और ऊपर में कुछ भी है एनीथिंग बट जो डिनोमिनेटर होगा दैट विल ऑलवेज बी इन फैक्टर फॉर्म ठीक है अब इसको हम लोग करते कैसे एक एग्जाम्पल लिख के हम लोग समझेंगे ये ठीक है पार्शियल फ्रैक्शंस को करने का अच्छा या तो इसको हम लोग बाद में करेंगे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने का कोशिश करते हैं सपोज ये इसका इंटीग्रेशन करना है हाँ इसमें हम लोग नॉर्मली तो कर ही नहीं सकते सब्स्टिट्यूशन में भी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल एंड अप समवेयर समथिंग वियर्ड ओनली तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसको लेते हैं फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर जहाँ ए और बी हम लोग निकालेंगे ठीक है अब कैसे निकालेंगे इसको हम लोग अगर एलसीएम लेके जोड़े तो ये आएगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे वी विल डू समथिंग विच इज कॉल्ड मैचिंग कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट क्या होता है जो वेरिएबल के साथ होता है मतलब वेरिएबल के अलावा जितना भी पोर्शन होता है एक टर्म में दैट इज द कोएफिशिएंट तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है
डिनोमिनेटर को रहने दो, ए ए और और बी बी, ए और बी है कोएफिशिएंट कि कुछ और है? ए प्लस बी ए प्लस बी इज कोएफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? बी माइनस टू है। राइट right? तो मैचिंग कोएफिशिएंट क्या होते हैं कि ये हम लोग का एलएचएस है और ये हम लोग का आरएचएस है, एलएचएस एंड आरएचएस। ये वाला जो पोर्शन है ये तो सेम है, इसको हटाओ। एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? वन और यहाँ पे ए प्लस बी, तो हम लोग मैच कर रहे हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट जितना आरएचएस पे उतना ही एलएचएस पे भी होना चाहिए। सिमिलरली जो कांस्टेंट है उसको भी इक्वल टू अदर साइड का कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि ये एक इक्वेशन है। अब ये दोनों को एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गए। वी हैव टू सॉल्व दीज एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर ए एंड बी। मेरे को बताओ कितना आएगा ए और बी का वैल्यू? सामने कॉपी है, यूज कर लो उसको। हाँ ए माइनस थ्री है। हाँ ए माइनस थ्री आ रहा है। अच्छा, और बी? थ्री एट है। मैम ए माइनस टू और बी थ्री। सेम मैम, तुम्हें को एक बात बोलो, पार्ट एक सेकेंड। पार्थ क्या किया है बताओ मेरे को। मैंने वो गलती वाला नहीं बहुत ही हाँ एविडेंटली गलत है। वो माइनस नहीं थ्री कर रहा माइनस टू तो माइनस फाइव होगा। देखो कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, क्योंकि इसमें इतना फेथ है कि कॉन्सेप्ट एरर नहीं हो सकता है। तो ए माइनस टू आ रहा है और बी थ्री आ रहा है सबका। हाँ, तो मतलब इसको हम लोग कैसे ब्रेक किए हैं? ए इज टू, ए टू आ रहा है ना। अरे यार, टू बाय एक्स प्लस वन माइनस थ्री बाय एक्स माइनस टू, ये आ रहा है। तो अब क्या हुआ, हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना था। इंस्टेड अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो सिंपल अल्जेब्रिक एडिशन और मल्टी सब्ट्रैक्शन वाला, तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। एंड नाउ कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन? इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली टू लॉग एक्स प्लस वन है और वहां पे टू लॉग एक्स माइनस टू है। टू बाय एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोलो अभिषेक? टू लॉग टू एल एन एक्स प्लस वन ये होगा। मॉड्यूल और इसका क्या आएगा? थ्री एल एन मॉड पे एक्स माइनस टू। ये होगा। तो जहां पे ये चीज इम्पॉसिबल लग रहा था, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करके टू एल एन एक्स माइनस वन माइनस थ्री एल एन एक्स माइनस टू प्लस सी बना दिए। दिस इज हाउ पार्शियल फ्रैक्शन वर्क्स। ठीक है, अब दो सम ट्राई करो खुद से। जब स्टार्टिंग से करोगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। जी
आप लोग ट्राई करो, जस्ट कमिंग कर रही हूँ. बोलो किसका किसका हो गया. मैम फर्स्ट का होगा 2ln 3x + 2. एक सेकंड. हाँ 2ln 3x + 2 प्लस ln 3x - 2 प्लस सी. श्योर यार डिफरेंशिएशन में हम लोग चेन रूल किए थे तो क्या इंटीग्रेशन में भी चेन रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए. बट चेन रूल क्या होगा, उल्टा अप्लाई होगा. तो अगर 3x है तो उसकी जगह हम लोग क्या करते, हम लोग एक 3 ले लेते थे बाहर, है ना. मतलब अगर हम लोग 3x + 2 होल टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो हम लोग पहले 5 3x + 2 होल टू द पावर 4 करते और फिर एक इंटू 3 ले लेते फॉर दिस, राइट. तो जब इंटीग्रेशन करते तो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है. चेन रूल हम लोग ऑब्वियसली सिर्फ लीनियर चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, और कोई टाइप का चेन रूल अप्लाई करना इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो पावर में क्या आ जाएगा, 6.
डिनोमिनेटर में 6, और यहाँ पे जो 3 है इसको कैसे ठिकाने लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 3 लेके, मतलब इंस्टेड ऑफ इंटू 3 हम लोग करेंगे इंटू 1/3। अब जिसका जिसका ये आंसर आया है वो एक बार रिविजिट करो और सोचो कि इसमें हल्का सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 3x और 3x है ना, तो एकदम माइन्यूट सा चेंज आएगा। दोनों साइड 1/3, तो दिस विल बिकम 2/3 एंड दिस विल बिकम 1/3, क्लियर? करो दूसरा वाला। सबका इसका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया था, सबका फर्स्ट वाले का। कोई भी अभी है जो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है फर्स्ट वाले का, बताओ अभिषेक क्या किया अभी तक, कैसे करेंगे? अरे मतलब क्या किया अभी तक, मतलब कितना तक किया है? नहीं समझ में आया मैम, स्टार्ट कैसे कर? कैसे किए थे हम लोग ऊपर वाले में? ए बाई एक सेकेंड, ए बाय 3x + 2 प्लस बी बाई 3x - 2 दिस इज इक्वल टू व्हाट? 9x - 2 by 3x + 2 3x - 2 ठीक है, फिर क्या कर दिया? इसका एलसीएम लेते हैं, हाँ क्या आएगा? हम करके बताओ। हाँ बताओ। a3x - 2a + b3x + 2b फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बाद? नीचे का कैंसिल आउट करते हैं, वो तो ठीक है, फिर कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? थ्री एक्स कॉमन लेंगे तो 1 + b। 3x क्यों कॉमन लेंगे? सिर्फ x कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, हम लोग को कोएफिशिएंट्स मैच करना है। यहाँ देखो हम लोग को क्या करना था, कोएफिशिएंट को मैच करना था। तो x को हम लोग 3x कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ x कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को x के कोएफिशिएंट्स को मैच करना है। तो x लेने से कॉमन क्या आएगा अंदर में? 3a + 3b और वहां पे 2b - 2a। तो इसको कैसे इक्वेट करेंगे? 3a + 3b इज इक्वल टू
अनम्यूट करो। नाइन। और दूसरा क्या बनेगा? टू बी माइनस टू ए इज इक्वल्स टू माइनस टू। हुआ मैच। हाँ। अब इससे क्या करेंगे? ए और बी निकालेंगे। निकालो। तब तक बाकी लोग बोलो सेकंड वाला हुआ है। मैम 4 ln mod x plus 1 minus 3 ln mod x minus 1 plus 3। आपका ही याद है? हाँ। वेरी गुड। अभिषेक होने से बोलना। ए टू बी वन। ए टू और बी वन। वेरी गुड। अब इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन। राइट हुआ। बट ये बोलो इसके बाद वाला स्टेप होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। आप खाली लॉग लेना और चेन रूल लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में क्या होता है? बाय पार्ट्स सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाय पार्ट्स में इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाय पार्ट्स का सबसे पहले फॉर्मूला ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में आप लोग ये वाला फॉर्मूला से नहीं किए हो। स्कूल में ये फॉर्मूला किया था? क्या किया था एक बार कोई अनम्यूट करके बताओ मेरे को। स्कूल में तो काफी लंबा था, इतना याद है। और उसमें डिफरेंशिएशन भी था। हाँ मैम, वो u एज इट इज रहता था, v का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर v इंटीग्रेशन v। रुको रुको, एक सेकंड। याद तो नहीं मेरे को मैम। मैं बताती हूँ क्या था, ध्यान से देखना। u एज इट इज रहेगा और v को इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन पहले डिफरेंशिएशन, यू को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से वी को इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा ही दिखता था। अब ये देखो ये इतना छोटा कैसे बना। ये जब फॉर्मूला आप लोग लिखते थे तो इसका ये साइड होता था दिस, और यहाँ पे मैंने v को सब्स्टिट्यूट किया dv by dx से। तो ये करने से क्या हुआ, काम इक्वल है दोनों में, बस दिखने में ही कम इंटिमिडेटिंग है जो अब हम लोग फॉर्मूला कर रहे हैं। क्या होता है, इसमें हम लोग u को कांस्टेंट रख के v को इंटीग्रेट कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग u को कांस्टेंट रखेंगे और dv dx को इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा घूम के, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ dv by dx, अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए हम लोग, और इंटीग्रेशन ऑफ dv by dx इज v, तो इसीलिए यहाँ पे v आ गया। माइनस इंटीग्रेशन हम लोग u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो सेम है, और फिर से v को इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगेन जब हम लोग
वी हम लोग का यहाँ पे डीवी डीएक्स है, तो जब उसको फिर से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग एंड अप विथ वी करेंगे, तो सिंपली वी को मल्टीप्लाई कर दिया और डीएक्स का डीएक्स रह जाएगा। इसीलिए जब आप लोग स्कूल में करते थे, मेरा खुद का भी स्कूल में यही फॉर्मूला किया हुआ था, स्कूल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ वी करते थे दो बार। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हो, एब्सोल्युटली कोई मना ही नहीं है, इट इज इक्वली करेक्ट, क्योंकि लॉजिकली दोनों करेक्ट है, दिखा दिया कि क्या कनेक्शन है दोनों में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड पार्ट रहेगा, मतलब जो भी चीज को हम लोग वी लेना चाहते हैं, लेट से अगर एक एग्जाम्पल ले एक्स ई टू द पावर एक्स का, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो हम लोग ई टू द पावर एक्स को कंसिडर करेंगे डी वी डी एक्स। और स्कूल में क्या करते थे, हम लोग ई टू द पावर एक्स को कंसिडर करते थे वी, ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जब हम लोग ई टू द पावर एक्स को डी वी डी एक्स करेंगे तो हम लोग का वी कितना आना चाहिए, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ कितना होता है ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर सेकेंड पुराना वाला मेथड यूज करें तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन ऑफ वी चाहिए और यहाँ एक बार इंटीग्रेशन ऑफ वी चाहिए, तो हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ वी अलग से हम लोग निकाल लेते थे पहले एक बार, कितना आता ई टू द पावर एक्स ही आता। फिर हम लोग क्या करते, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं यू वी माइनस और यहाँ पे करते u इंटीग्रेशन v d टू द पावर x माइनस अब साइमल्टेनियसली अगर दोनों को चलाए तो हम लोग का u क्या है, सबसे पहले x है u, तो x इंटू दिस इज आर केस वन एंड दिस इज केस टू, यहाँ पे हम लोग का v का वैल्यू है e टू द पावर x, du dx कितना होगा, वन, v हम लोग का e टू द पावर x है dx, यहाँ क्या होगा, u कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx e टू द पावर x du dx वन, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सेम आ गया दोनों फॉर्मूला से। तो ओनली डिफरेंस क्या हुआ, इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर रिमेम्बरिंग देन यू विल हैव टू टेक द सेकेंड टर्म एज डी वी डी एक्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज द ओल्ड फॉर्मूला जो हमेशा से करते आए हो तो आपको ई टू द पावर एक्स को वी लेना होगा, बट एंड ऑफ द डे आपको दोनों को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे वी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसी को कोई डाउट है? मैम थोड़ा ऊपर कर दो, कॉपी करो पहले एक बार, रुक जाओ, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला अगेन। दोनों फॉर्मूलाज कॉपी करो।
बिग सम ट्राई करो। Try to think a little out of the box. इसमें भी बाईपास लगाने में भी थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ेगा। आप क्यों है आर्टिस्ट? आप क्यों है? मैम फर्स्ट ऑप्शन आएगा क्या? फर्स्ट ऑप्शन नहीं। और फिर सेकंड आएगा? अगर अभी भी नहीं पढ़ा तो क्या बोलोगे? थर्ड? नहीं वो मैंने उसका नहीं 1/2 नहीं लगाया। हाँ सेकंड आ रहा है। कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड। सब्स्टिट्यूट करना बहुत इजी है क्योंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर को पावर पे रख के बाईपास लगाना इज खुद का मौत बुलाना। ठीक है तो x स्क्वायर इक्वल टू t लेंगे तो क्या आएगा? वो x क्यूब को x इनटू t नहीं लिख सकते? हाँ, I'm writing. t
किसी को प्रॉब्लम है ये समझने में? यस मैम। क्या हुआ बोलो? मेरा 1/2 इंटीग्रल x स्क्वायर इनटू e टू द पावर t dt आया उसके बाद। उसके बाद देखो ये x स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर t है। हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम पहले अनम्यूट करो, हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो हम लोग एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग को एक्स स्क्वायर को भी हटा के उसको टी के टर्म्स में लिखना होगा। बहुत बार होगा सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद भी बच जाएगा, ओरिजिनल वेरिएबल बच जाएगा, तो उसका क्या करना होता है, उसको इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल लिखना होता है। जैसे अगर सपोज हम लोग अगर ये सब्स्टिट्यूट कर रहे होते और हम लोग का फिर भी एक एक्स बच जाता काटने के बाद भी, तो हम लोग को उस एक्स की जगह ये लिखना पड़ता, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग एक्स नहीं छोड़ सकते वहाँ पे, अब वहाँ पे सिर्फ वाई ही फीचर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एक टी लगा देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। एंड देन बाईपास का फॉर्मूला लगाएंगे, अभी सेम एक्स स्क्वायर जैसे एक्स ई टू द पावर एक्स की है वैसे ये करके देखो अब एक बार, अब देखो सम को समझ में आएगा। आया समझ में? यस मैम। कोई बोल सकता है इसको कैसे करते हैं? वाइल्ड गेस। प्रोडक्ट रूल वही लगाएंगे ना, बाईपार्ट्स वाला रूल। बट यहाँ पे तो सिर्फ ln x है, बाईपार्ट्स में तो दो चीज का प्रोडक्ट होना चाहिए। एक वन को और कंसीडर कर लो। अब एक और चीज सुनो, बाईपार्ट्स में प्रोडक्ट है, अब उसको a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, एक ही बात है। सो हाउ विल यू डिसाइड कि u किसको लेना है और v किसको लेना है? I फॉर कौन बोलेगा? I फॉर इनवर्स। L फॉर लॉगरिथम। A ट्रिग्नोमेट्रिक और ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो मतलब हमेशा अगर ई का टर्म है तो उसको तो वी लो। पता है क्यों? क्योंकि वी में हम लोग देखे कि ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, हमेशा उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। कोई भी जिसको डिफरेंशिएट करना विल बी इजियर, है ना? यू जैसे क्या है, यू फर्स्ट टर्म में तो कॉन्स्टेंट रहता है और सेकेंड टर्म में बस डिफरेंशिएट होते हैं, राइट? लेकिन वी का क्या होता है, उसको दोनों बार इंटीग्रेट करना पड़ता है और फिर इंटीग्रेट करने के बाद एक और बार इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इसलिए वी इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड वन। तो ई टू द पावर एक्स सबसे सिंपल होता है, उसका इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स होता है। तो इसीलिए ये क्या है, आईलेट क्या होता है, हम लोग किस प्रेफरेंस से यू को चूज करेंगे। तो मतलब अगर आपके पास एक ठो इनवर्स है और एक ठो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई को आप प्रेफरेंस दोगे फॉर यू एंड टी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को आप बनाओगे वी, ठीक है? तो आईलेट इज किस ऑर्डर में यू डिसाइड होगा।
मैम 0.38 तुम लोग बोलो क्यों तो कि हम म्यूट पे है। बोलो यू किसको लेंगे और वी किसको लेंगे। एलएन को यू लें और वी वन को। यू को कांस्टेंट रखेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा x du dx 1 upon x into x dx minus x क्या आएगा ये 0.38 प्लस वन। नहीं प्लस सी क्यों होगा, अब तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं रहता है फिर। अच्छा मेरे को बोलो इसको अगर मेरे को एल एन के फॉर्म में छोड़ना है तो कैसे छोड़ेंगे। एल एन वन कितना होता है, जीरो। तो ये वाला टर्म तो गया, ये कितना हो जाएगा एल एन फोर और बाकी माइनस वन। क्लियर है सबको, किसी को कोई भी डाउट है और हो गया सबका ये वाला। ठीक है आज हम लोग फिर यहीं तक करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.